पीसी कंट्रोल पैनल रूम में आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी पैनल्स लगे हुए हैं वहाँ पर। यहाँ पर जो है सो बैटरी रूम है, बैटरी रूम में यहाँ पर दो सेट रखे हुए हैं बैटरी सेट के। हे गाइस, आप सभी का अपने जेएस टेक्निकल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 33 kV के सबस्टेशन में कंट्रोल रूम में क्या होता है और वहां पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स पैनल्स होते हैं और SSO का क्या वर्क होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पे 33 kV का सबस्टेशन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर जाकर हम देखते हैं कंट्रोल रूम में कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन से पैनल्स होते हैं और SSO सबस्टेशन ऑपरेटर का वर्क क्या होता है और बैटरी रूम क्या होता है, बैटरी रूम में बैटरी सेटअप किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम सबस्टेशन के कंट्रोल रूम में जाते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 33 kV के कंट्रोल पैनल रूम में आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी पैनल्स लगे हुए हैं वहाँ पर जो है सो कॉमन इंडिकेटर पैनल लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको पैनल्स दिखाता हूँ यहाँ पर कौन कौन से पैनल्स हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो है तो ये टैप चेंजर पैनल है जो कि ट्रांसफार्मर का टैप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये 33 kV का पैनल है और उसके बाद ये कि यहाँ पर 10 MVA का पैनल मतलब सेपरेट लगाया गया है। उसके बाद एक 33 इनकमिंग का जो सप्लाई आ रहा है उसके लिए एक पैनल लगा हुआ है। और गाइस आप ये देख सकते हैं आप जो दिखाई दे रहा है ये कैपेसिटर बैंक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक कॉमन इंडिकेशन पैनल लगा हुआ है जो कि हर फीडर के लिए इंडिकेशन दिखाता है। अभी तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 11 kV इनकमर है जो कि इस इनकमर पे यहाँ पर 3 फीडर चल रहे हैं। अभी तो यहाँ पे ऑन पोजीशन में, अगर ये ऑन पोजीशन में है तो यहाँ पे रेड लाइट शो होगा और जैसे इस पर कोई फॉल्ट होता है, कोई ट्रिपिंग आती है अर्थ फॉल्ट पे, ओवरलोड पे या किसी भी फॉल्ट पे अगर ट्रिपिंग आती है तो यहाँ पर ये जो रेड इंडिकेशन है वो ऑफ होकर ग्रीन इंडिकेशन आ जाता है। तो ये यहाँ से हमको आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा फीडर जो है सो ऑफ हुआ है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अर्थ फॉल्ट पे अभी ट्रिपिंग आई थी, आपको गाइस दिखाई दिख रहा होगा। तो यहाँ पर वो फॉल्ट भी शो होता है कि किस फॉल्ट के ऊपर जो है सो फीडर ट्रिप हुआ है। तो इसका वर्क यही है। तो उसके बाद जो है सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा पैनल कंट्रोल रूम है और यहाँ पर जो है सो हमारे SSO साहब बैठते हैं। और ये DLR है, डेली लोड रिकॉर्ड, मतलब इसमें सभी फीडर का KWH लोड और यहाँ पर सब मेंटेन किया जाता है, उसमें सब लिखा जाता है, भरा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है सो मैं आपको लेके चलता हूँ बैटरी सेटअप, बैटरी जहाँ पे रखी हुई बैटरी रूम में। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके प्रेस कर देना है। जब भी मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाऊं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो यहाँ के बाद हम चलते हैं जहाँ पर हमारे बैटरी सेटअप, यानी कि जो बैटरी DC सप्लाई होता है उसको सबस्टेशन का हार्ट माना जाता है क्योंकि सबस्टेशन के अंदर जितने भी फीडर्स होते हैं, रिले होते हैं, वो DC सप्लाई पे वर्क करते हैं। तो मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ जहाँ पर DC सप्लाई है, जहाँ पर बैटरी सेटअप लगाए हुए हैं। तो चलो चलते गाइस। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सो बैटरी रूम है, बैटरी रूम में यहाँ पर दो सेट रखे हुए हैं बैटरी सेट के। ये जो सेट है यहाँ पर ये 15 सेल्स है जो कि 30 वोल्ट एक सेल का वोल्टेज 2.0 यानी कि 2 वोल्ट की एक सेल है। यहाँ पर 15 सेल यानी कि 30 वोल्ट यहाँ से हो रहा है। और यहाँ पर एक बैटरी सेटअप रखा हुआ है जो कि न्यू है और इसका भी जो है सो 2.0 वोल्ट की एक सेल है। और ऐसे 15 सेल्स लगे हुए जो कि सीरीज में कनेक्ट हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पॉजिटिव उसके निगेटिव से, मतलब ये सीरीज कनेक्शन किए हुए है। और ये जो है सो 13 वोल्ट यानी कि 30 वोल्ट यहाँ से DC जनरेट हो रहा है, मिल रहा है और यहाँ से इसका 30 वोल्ट DC मिल रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी चार्जर लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी चार्जर लगा हुआ है जो ये बैटरी चार्जर इसको चार्ज करने के लिए लगाया हुआ है। और ये जो बैटरी चार्जर है जो नए सेट को जो है सो चार्ज करने के लिए लगाया हुआ है। और बाकी यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक पेंट किया हुआ है। बैटरी रूम में ब्लैक पेंट करने का एक ही रीज़न होता है गाइस, यहाँ पर जो है सो इस बैटरी को हम चार्ज जब करते हैं तो इसमें से गैसेस निकलते हैं, इसमें से हीट जनरेट होती है, तो उस हीट को जो ये ब्लैक कलर जो है सो एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि ब्लैक कलर जो है तो हीट को एब्जॉर्ब करने वाला होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है सो ब्लैक पेंट किया हुआ है दीवारों को जो उस गैसेस को हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और उनका साथ ही साथ यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी लगे हुए हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, वो सभी को जो है सो यहाँ की जो हीट है वो बाहर फेंकते हैं और बाहर की जो हवा है वो अंदर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर यही इतना ही होता है।
और बाकी मैंने बताया है बाहर वो पैनल्स होते हैं, और यहीं पे मतलब कंट्रोल रूम इतना ही होता है। और अगर आप इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहते हैं या फिर और कोई वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊँ सबस्टेशन से रिलेटेड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ अगर आप डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाल पे सेट करके प्रेस कर देना। जब भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाऊं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।